वो क्या पार्ट बचते हैं और किस पार्ट में वो फोन आपके पास आएंगे। अगर कीपैड वाला फोन है तो उसमें देखो अगर लाइनिंग आ रही है डिस्प्ले या वाइट आ रही है तो उसमें अधिकांश क्या होता है 50% चांस होता है। कितना परसेंट? 50% चांस होता है कि आप उसको रीसोल्ड करके या और डिस्प्ले को दोबारा निकाल के दोबारा लगा के वो डिस्प्ले आ सकती है। मगर जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में क्या होता है कि कनेक्टर होते हैं, आपने देखे होंगे डिस्प्ले कनेक्टर। कई बार क्या होता है कि अगर स्मार्टफोन में डिस्प्ले में लाइनिंग आ गई, इसमें आ गई लाइनिंग, जैसे आपने एप्पल आईफोन 7 है उसमें परमानेंट ये पार्ट है तो उसमें लाइनिंग आनी आनी है इस तरफ से। अब अगर डिस्प्ले में लाइनिंग आ गई तो उस कंडीशन में आपको वो बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर स्मार्टफोन में क्या है कि आपने एक डिस्प्ले लगा ली उसमें वाइट आ रही है, दो डिस्प्ले लगा ली वाइट आ रही है, तीन लगा ली वाइट आ रही है। अब तीन डिस्प्ले तो खराब नहीं हो सकती, अब यानी कि किस में फॉल्ट है? कनेक्टर में, कनेक्टर में फॉल्ट है। या तो इस कनेक्टर की कहीं से सप्लाई ब्रेक है या फिर क्या है कि इस कनेक्टर की कोई पिन आपस में शॉर्ट हो गई है। क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई। अधिकांश क्या होता है कि इसकी सप्लाई में पैक कॉइल लगी होती है। कौन सी कॉइल? पैक कॉइल लगी होती है और ये सप्लाई पैक कॉइल में जाती है। पैक कॉइल क्या होता है कि अगर पैक कॉइल कभी ओपन हो गई या खराब हो गई तो क्या होगा, ये सप्लाई क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। फिर आपको वहां जम्पर मारने पड़ेंगे। मगर वो मारने कब पड़ेंगे? अब इसमें आप सप्लाई चेक करोगे, इसमें कई तो एनसीटी होते हैं। क्या होते हैं? नॉट कनेक्टेड होते हैं। कईयों पे वैल्यू आती है और कईयों पे बीप आती है। अब आपको ये कैसे कंफर्म होगा, आपके पास स्मैटिक तो है नहीं और ना ही स्मैटिक को रीड करने का तरीका है, तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि यार इसमें ये जो सर ने बताया है वो एनसीटी है या इसकी सप्लाई ब्रेक है? अगर ये एनसीटी है नॉट कनेक्टेड है तो इसकी सप्लाई आपको कहीं भी जाती हुई नहीं मिलेगी, समझ रहे आप? बीप ही नहीं करेगा कहीं भी। और अगर इसकी सप्लाई ब्रेक है तो ये कहीं ना कहीं 100% बीप करेगा, समझ रहे? जैसे कि इसकी सप्लाई में ये पैक कॉइल लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लोकल कंडेंसर लगा हुआ है। अगर ये एनसीटी है तो इसका कनेक्शन ना तो इसमें होगा, ना इसमें होगा, ना ही इसमें होगा। और अगर सप्लाई ब्रेक है तो इनमें से किसी ना किसी में वो 100% क्या करेगा? बीप करेगा। देखो आप ये मत समझना कि यार हमें एडवांस लेवल नहीं सीख रहे हैं, अब हमें ये डायग्राम का सिस्टम नहीं पता किसकी सप्लाई। ये बॉर्नियो स्मैटिक अभी 2 साल से आया है, उससे पहले लोग रिपेयरिंग नहीं करते थे, उससे पहले भी तो रिपेयरिंग कर रहे थे ना, तो अपने अनुमान से चेक कर रहे थे ना उसको, तो यार तुम भी अपने अनुमान से चेक करो, क्या दिक्कत है? जब आपके पास जमा पूंजी हो जाए, अगर आपके लिंक बढ़िया रहेंगे, कॉन्टैक्ट बढ़िया रहेंगे, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगने की जरूरत समझते हो, मेरे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद बा खुद आपको इस स्मैटिक का भी इतना ज्ञान, मगर वो कब दूंगा? दूंगा उन्हीं बच्चों को जो मुझे लगेगा कि ये अपना 100% मेहनत बाहर निकल के कर रहे हैं। क्योंकि आप में से अभी कई यहाँ से निकलने के बाद, देखो बुरा मत मानना, यहाँ से निकलने के बाद कोई ड्राइविंग सीखेगा, कोई डांसिंग सीखेगा, कोई साइकिल रिपेयर करना सीखेगा, समझ रहे हैं? जो प्रॉपर मेरी लाइन में रहेगा और मेरे लिंक से जुड़ा रहेगा उसको मैं फ्री का क्या दूंगा? जो पैसों में देता हूँ वो फ्री में दूंगा, जो मेहनत करेगा मैं उसके साथ तन मन धन से पढ़ाऊँ, और जो मेहनत नहीं करेगा वो जाने और उसका जाने कारण, समझ गए? ये स्मैटिक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हवा नहीं है। लोग बाग इसके सिखाने के 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं? 20-20 हज़ार। मगर मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बिंदु बताऊंगा उन्हीं को,
मैं फिर बता रहा हूँ, एक महीने के अंदर ग्रुप में सब पता लग जाएगा कि कौन मेरे लिंक में जुड़ा हुआ है और कौन नहीं जुड़ा हुआ। जो मेरे लिंक में जुड़ा रहेगा उसे मैं ये 20,000 का ज्ञान फ्री में दूंगा, चाहे मैं उसे पर्सनल उसके नंबर पे वीडियो बना के सेंड करूं। और है कुछ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे कुछ ट्रिक होती है ना ट्रिक, ऐसे ही इसमें कुछ ट्रिक है इस मैटिक में, उन ट्रिकों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना के सेंड कर दूंगा 5-10 मिनट की, पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कैसे मुझे इस मैटिक समझना है और कैसे नहीं समझना है। हाँ भाई दियाती क्या हो गया, सर में दर्द हो रहा है क्या हो गया? सुबह जंग लग गया है, जंग लग गया, जंग लग गया इसके बाद सामना लास्टी हो यार, हंसने वाली बात बस एक थोड़ी सेंस कम यार, तुम्हारा फ्रेंड है तुम्हारे बैच में है उसमें हंसने वाली क्या बात है, उसकी चोट लग गई तुम हंस रहे हो, यानी कि तुम्हें जरा सी भी वो नहीं है। चलो लग गई है भाई, जानो तो भी लड़की टाँके तो भी लाए सर, मैं जब बोल रहे लोटा समझते हो, लोटा समझते हो, जले के जाते सॉरी समझते हो, सॉरी नहीं समझते सॉरी। आज करोल बाग में ना एक ऐसे शख्स से मेरी बात हो रही थी जो पराठेदार इंग्लिश बोलता है और पर डे की इनकम उसकी 50-60 लाख रुपए पर डे और उसने मुझसे बोला सॉरी, क्या बोला? विनोद सर मेरे साथ में थे तो मैंने कहा सर सॉरी सब तो इंग्लिश का है, हिंदी में बात करो ना, तो उसकी हंसी छूट गई, उसने बोला गलती हो गई यार, अपनी मातृभाषा हिंदी है। अभी वो ओलंपिक जीत के आया ना, नीरज देखा है ना उसने, चौने में होके बोला उसको हिंदी में बात करो। तो यार ये छोटी छोटी चीजें ना, ऐसे किसी का मजाक में बुलाया, उसने बोला मेरे सर चोट लग गई, कोई बात नहीं भाई मुझे तो फील होगा क्योंकि भाई मेरा शिष्य है भाई, अब तुम्हें फील होगा या नहीं होगा वो तुम जानो, तुम्हारे जाने करम भाई तुम्हारा दोस्त है। ये डिस्प्ले के प्रिंट है ठीक है, अभी कॉमन सी चीज समझना, ये चार्जिंग जैक के प्रिंट है, किसके हैं? चार्जिंग जैक, और ये डिस्प्ले के प्रिंट है। अब आपको ये नहीं पता इसमें कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है, ये दोनों हट गए, क्या हो गया? दोनों हट गए, ना माइनस रहा और ना प्लस रहा। अब ये जो माइनस है, अगर उस माइनस का प्रिंट उखड़ेगा तो माइनस माइनस में तब्दील होगा ना, जिसमें तब्दील होगा माइनस भी होगा, प्लस माइनस में तब्दील हो सकता है क्या? नहीं सर, वो कभी माइनस में तब्दील नहीं हो सकता। ये क्या दिखाएगा? खाली दिखाएगा, क्या दिखाएगा? खाली। अब ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कई एनसीटी है, क्या है? एनसीटी, और कई प्लस है। अब मान लो ये प्लस वाला उखड़ गया, ये प्लस वाला कट गया, अब डिस्प्ले कैसी आएगी? या तो ब्लैक आएगी या वाइट, वाइट आएगी। अब जब ये प्रिंट उखड़ गया है, आपको दिख रहा है ये प्रिंट उखड़ गया है, अब डिस्प्ले क्या आएगी? वाइट, वाइट आएगी। तो प्रिंट मिसिंग की क्लास हुई है, वही है। आपने एक डॉट देखा होगा, दिखाया होगा सर ने माइक्रो, एक तो डॉट से सप्लाई मिल जाती है, समझ रहे हैं? दूसरा अगर डॉट से नहीं मिलती तो जहां से प्रिंट पड़ता है वहां, अब मैंने अपनी उंगल से हटाया है, देख रहे हो ये हल्का सा मार्क आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ऐसे ही सोल्डिंग में हल्का सा मार्क कहीं ना कहीं वो रह जाएगा, अगर नहीं भी रह जाता तो आपको क्या काम करना होता है, उसे ऑपरेशन ब्लेड से हल्के हाथों से खुरचना होता है। खुरचने पे क्या होगा, या तो ऊपर से खुरचना या नीचे से खुरचना, जहां से आपको खुरचते टाइम वो प्लस मिलेगा और वो वैल्यू शो करेगा
उसके बाद सिर्फ आपको ये देखना है कि उसकी सप्लाई कौन से कंपोनेंट पे जा रही है। जिस कंपोनेंट पे सप्लाई जा रही है उस कंपोनेंट से जम्पर उठा के और जब आप डिस्प्ले कनेक्ट करोगे तो डिस्प्ले के उस पॉइंट पे सप्लाई आ जाएगी। लगा सर क्या नाम है, जिस पर अगर चेक करेंगे वो बीप करेगा ना कंपोनेंट? जी, जो इसकी लाइन में होगा वही तो बीप करेगा ना सर। और जो इसकी लाइन में नहीं होगा वो बीप करेगा क्या? नहीं, वो बीप नहीं करेगा। समझ में आ गई क्या सर? जी सर। और कोई डाउट है क्या सर? हैंड फ्री जैक, हैंड फ्री जैक। इसमें छह पिने होती हैं। कितनी पिने होती हैं? छह। जिसमें एक ये स्विचिंग का काम करती है नीचे, ये मेन मेन पॉइंट है। ये RL और RL रैप और लाइट यार है क्या है ना? RL लेफ्ट हो गया, L R R R। ये आर आर और एल क्या है पता आपको? लेफ्ट राइट, एक सीधे का एक पोल लेगा। ये कब काम नहीं करते पता है? इसमें पार्ट नहीं होगा कभी भी। आपने देखा होगा हैंड फ्री में तीन लेयर होती है, किसी में दो लेयर होती है। देखिए आपने हैंड फ्री जी, दो लेयर और तीन लेयर वाली। अगर दो लेयर वाली आप तीन लेयर वाले में लगाओगे तो काम करेगी क्या? नहीं। और अगर तीन लेयर वाली दो में काम लगाओगे तो काम करेगी क्या? नहीं सर, नहीं करेगी ना। इसमें क्या होता है, एक तो बीप होता है, क्या होता है बीप, एक खाली होता है। और इन दो में जो सप्लाई आती है पहले तो इन्हें ऑपरेट करती है ऑडियो आईसी। कौन सी आईसी? ऑडियो आईसी। अगर ऑडियो आईसी इन्हें ऑपरेट कर रही है, क्यों ऑपरेट कर रही है? क्योंकि ये किसको चला रहे हैं? स्पीकर को चला रहे हैं और माइक को। ऑडियो आईसी कितने वोल्ट से काम करती है? 3.7 नहीं नहीं 2.1। अरे ज्यादा से करते हैं सर, 2 वोल्ट, 1.2, 1.8 वोल्ट से काम करती है। ये है वाइड। अभी आपको आईसीयू की इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने पहले भी लिखवा चुका हूँ क्या? पावर आईसी कितने वोल्ट से काम करती है? 2 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 3.7। सीपीयू कितने से काम करता है? 1.2। ऑडियो आईसी कितने से काम करती है? 1.8। पीएफओ आईसी कितने वोल्ट से काम करती है? 3.7। रिंगर आईसी कितने वोल्ट से काम करती है? 4.5। कितने वोल्ट से काम करती है बता सकते हो सर? आपको पावर आईसी नहीं पढ़ाई गई, नेटवर्क में आपको पीएफओ आईसी नहीं पढ़ाई गई कितने वोल्ट से काम करती है? ये कौन सी लाइन में लगी होती है? नेटवर्क। कौन सी लाइन में लगी होती है? नेटवर्क ग्राउंड में। नेटवर्क सर नहीं बताया तो आप लिख लो बेटा, क्या हो गया? लो चार्जिंग आईसी 1 पॉइंट। इसके फ्लैश लाइन जो आईसी होती है इसके पास जो आप देखेंगे वो 1.9 भी मिलेगा या 2.5 मिलेगा। लाइट आईसी पता नहीं है।
टाइम ही होता है सर ना, कितने वोल्ट से काम करते हैं? 2 वोल्ट सर, 2 वोल्ट सप्लाई देता हूं। अभी 2 वोल्ट से काम करती है, ऐसा ही पढ़ाया है क्या उधर सर ने? 2 वोल्ट से काम करती है? अरे बोलो ना कितने वोल्ट से काम करती है लाइट ऐसी? सर नहीं पता। पहले ये हैंड पे चलाओ, इन करते हैं तो ये जो दो पॉइंट होते हैं, इन्हें जो सप्लाई मिलती है वो सीपीयू से मिलती है, किसे मिलती है? सीपीयू से। और ये सप्लाई रेजिस्टेंस से होती हुई इन पॉइंटों पे आती है, किन पे आती है? अधिकतर क्या होता है कि ये जो पॉइंट होते हैं इनमें जो स्विचिंग का काम करता है वो अधिकांश ये जो पॉइंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से हैंड फ्री लोगो बना हुआ रह जाता है या हैंड फ्री जैक पे। हैंड फ्री आपको कब पता लगेगा? जब आपका माइक स्पीकर ये काम करना बंद कर देगा। अब वो एक साथ तो खराब हो नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। तो हैंड फ्री का लोगो अधिकांश आपने देखा होगा इस प्रकार से बना हुआ आता है, मगर कुछ फोनों में बना हुआ नहीं आता, उनमें हैंड फ्री प्रॉपर काम करता है। अब इनमें जिसमें हैंड फ्री बना हुआ आ रहा है उसमें तो आपको पॉइंट पता लग जाएगा, मगर जैसे मेरे वन प्लस में हैंड फ्री बना हुआ नहीं आता, तो अगर मेरे फोन में कैसे पता लगेगा मेरे हैंड फ्री की पॉइंट है इस फोन में? सर उसका स्पीकर लिंगर सब कुछ मारा जाएगा, हां आवाज ही नहीं है इसमें, कोई भी काम करना नहीं करेगा, नहीं करेगा तो मुझे पता लग जाएगा इसमें हैंड फ्री का फॉल्ट आएगा, बन चुका है। अगर ये डीजे पे फूका हुआ है, इस पे फूका हुआ है डीजे पे, आपने देखा होगा बर्थडे डे होता है लोग कनेक्ट करके अपना चलाते हैं, कई बार क्या होता है इसको चलने के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए होता है ऑडियो सिग्नल को। अब इसमें अर्थिंग पास हो जाती है, अर्थिंग पास हो गई, अर्थिंग पास होने पे इसको 3 वोल्ट मिल गया या 4 वोल्ट मिल गया तो क्या होगा? ये आईसी उड़ेगी ना, उड़ जाएगी। ये आईसी उड़ते ही क्या होगा? हैंड फ्री का लोगो जो है वो बना हुआ रह जाएगा। अब या तो आपको आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी या फिर ये लोगो हटाना है तो इस हैंड फ्री को बदलना पड़ेगा, डायरेक्ट जम्पर लगाना पड़ेगा। जम्पर लगाने के लिए आपको बार बार जम्पर नहीं लगाना, आपको एक चिमटी लेनी है और उस चिमटी से पहले आपको शॉर्ट करके देखना है ऑन फोन में, अगर वो हैंड फ्री लोगो हटे तो आपको उस कंडीशन में वो जम्पर चिमटी से शॉर्ट करेंगे ना, एक नोक रख के अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो फिर आप उसमें और जब कस्टमर आपके पास आएगा तो वो फंसी में आएगा, वो ये कहेगा सिर्फ ये हैंड फ्री लोगो हटा दे बस, कैसे भी करके। सर जब वो हैंड फ्री लोगो हट जाएगा तो स्पीकरिंग का सब कुछ काम काम करेगा, मगर हैंड फ्री काम करेगा क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हो ना, अब आईसी का तो काम करेगा। और अगर सर ब्लूटूथ अगर आईसी होती तो काम करेगी, अब आईसी है नहीं, आपने डायरेक्ट कर दिया तो काम खत्म हो गया ना, ब्लूटूथ लगाएंगे तो चल जाएगा। ये लाइट आईसी है, इस लाइट आईसी में 6 लैग हैं, समझ रहे हैं? आपसे कभी जिक्र हुआ होगा ईएन सिग्नल का, किसका? इनेबल सिग्नल। इनेबल सिग्नल का जिक्र हुआ, इनेबल सिग्नल कौन सा होता है पता आपको? जो सीपीयू से मिलता है, सीपीयू से आता है जो सभी आईसीओ को पास आउट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया होगा इनेबल जो सिग्नल होता है वो 1.8 मिलेगा, कितना मिलेगा? 1.8। अब ये 1.8 जो इनेबल सिग्नल है, सुनो, ये इनेबल सिग्नल ऑडियो को भी मिल रहा है, किसको मिल रहा है? ऑडियो को, रिंगर को भी मिल रहा है, मिल रहा है, सभी चीजों को मिल रहा है, मिल रहा है। अब मान लो कि ये एक आईसी है जहां ये कंपोनेंट लगा हुआ है और इस पे इनेबल सिग्नल आ रहा है, क्या आ रहा है? इनेबल सिग्नल। ये आईसी एक्स वाई जेड कोई सी हो सकती है, मगर जहां आप चेक कर रहे हो यहां ईएन सिग्नल नहीं आ रहा, यहां ईएन सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आप यहां से जम्पर लेके यहां जो भी कंपोनेंट लगा है आप वो ईएन सिग्नल यहां से यहां पास हो जाएगा कर सकते हो, समझ गए?
जो ईएन सिग्नल है वो सभी आईसीयू को पास होता है, सीपीयू से। अब वो सीपीयू से इस आईसीयू को पास हो रहा है, मगर लाइट आईसीयू को पास नहीं हो रहा। अब लाइट आईसीयू को पास नहीं हो रहा तो लाइट आईसीयू काम करेगी क्या? नहीं सर, नहीं। जब तक उसको ब्रेन से आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो वर्किंग करेगी क्या? नहीं सर, नहीं करेगी ना। अगर आप हाथ ऊपर उठाते हो, आपके दोनों हाथ नीचे हैं, जब आप हाथ ऊपर उठाओगे, अब ये सिग्नल कहां से पास हुआ? माइंड से। माइंड से पास हुआ तो ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू है। सीपीयू ने सिग्नल दिया कि जितेश जी हाथ ऊपर उठाना है, मैंने हाथ ऊपर उठा दिया, समझ रहे? अब सीपीयू पूरे बदन को सिग्नल दे रहा है, मगर इस हाथ को सिग्नल नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। तो अब सारी जगह वो चीजें चल रही है, तो मैं क्या काम करूंगा? जो सिग्नल इसको मिल रहा है, ईएन सिग्नल, माइंड एक ही है ना, सिग्नल एक ही पास हो रहा है, ऐसा तो नहीं अलग अलग वोल्टों में हो रहा है, वोल्ट भी एक ही है। तो मैं यहां से ये जम्पर उठा के इस ईएन सिग्नल को पास करूंगा। सर ये कौन से खराबी में करना पड़ेगा? ये जब खराबी में करना पड़ेगा जब वोल्टेज, जो आपने देखा लाइट आईसी भी ओके है, बूस्ट कॉइल भी ओके है, डायोड भी ओके है, लोकल कंडेंसर भी ओके है, फिर भी वो काम नहीं कर रही। नहीं सर, कस्टमर क्या प्रॉब्लम लेके आएगा? कस्टमर ये पार्ट लेके आएगा कि भैया देखो, मेरे फोन में चित्र तो आ रहा है, चित्र का मतलब समझ रहे हो ना, ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं, मगर लाइट नहीं आ रही, नहीं आ रही, समझ रहे हैं? अब आप सोचो कि लाइट आईसी का फॉल्ट है, लाइट आईसी में अधिकतर एक बूस्ट कॉइल लगी होती है, बताई होगी आपको उदय सर ने? यस सर, बताइए ना। बूस्ट कॉइल और डायोड, और इसके बाद एक रेक्टिफायर डायोड लगा होता है, बताया होगा आपको? जी सर, बताया ना। यस सर, रेक्टिफायर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अगर जो एलईडी है डिस्प्ले में, अगर उसमें एसी सिग्नल पास होगा तो ये लुक्तुम करेगी, कम ज्यादा होगी। जैसे ये बल्ब, ये आप देख रहे ट्यूबलाइट है, और अगर मैं अभी बल्ब लगा दूं तो आपने देखा होगा कि बल्ब तो पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है ना, आर पार दिखाई देता है, तो उसकी रोशनी जो होती है वो कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती है। तो अगर यहाँ से ये डायोड अगर खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों तरफ से किस में होगा? प्लस में होगा। अब यहाँ से ये बूस्ट कॉइल इसको बूस्ट करके ये सिग्नल इसको देती है, समझ रहे हैं? करंट बूस्ट करके यहाँ से निकला। एक बात याद रखना, मैंने आपको रिंगर आईसी चेक करना सिखाया था, और मैंने आपको रिंगर में ओके कंडीशन डीसी वोल्ट से ऑन करने के बाद आपको दिखाया था, जब वो रिंगटोन बज रही थी तो वहां वो वोल्टेज बन रही थी, जितना तेज साउंड था वोल्टेज उतनी ही ज्यादा थी, समझ रहे हैं? नहीं बताया था, बताया ना, नहीं बताया, कब बताया भाई? भाई मुझे याद है। भाई कहाँ रहते हो तुम? नोकिया का फोन था और उसमें आपको चेक करके दिखाया था हॉट टेस्टिंग में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हॉट टेस्टिंग इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको जिस पे वो कॉफ लगा रहे हो वो कॉफ उसी पे टच होनी चाहिए, अगर अगल बगल किसी भी गलत कंपोनेंट से टच हुई तो फोन क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। बोला था या नहीं बोला था? बोली थी जो गधे आए नहीं, मतलब पता ही नहीं है। सुनो, अगर ये आप चेक करोगे तो ये जो वोल्टेज है, आपने देखा होगा कीपैड के पीछे आपको एलईडी डायोड चेक कराए होंगे, कराए ना? यस सर। अब आपने देखा होगा इतनी छोटी सी डिस्प्ले होती है और डिस्प्ले इतनी बड़ी भी होती है, किसी में 22 एलईडी होती है और किसी में मात्र 10 एलईडी होती है, किसी में मात्र 2 एलईडी होती है। अब वोल्टेज किसको जाना चाहिए? 22 वाली को चाहिए ना। अब ये 22 वाली जो एलईडी है वो कम से कम 18 या 20 वोल्ट से काम करेगी। कितने से? 18-20 वोल्ट। अगर ये 18 या 20 वोल्ट से काम करेगी तो ये कितने से करेगी? 2-4। तो इसमें 18 या 20 वोल्ट ढूंढोगे क्या? नहीं यार, समझ रहे हैं? अब यहाँ से जो बूस्ट कॉइल करंट को बूस्ट करेगी, बूस्ट करके लाइट आईसी को देगी, अधिकांश ये बूस्ट कॉइल खराब होती है, 100 में से 90% ये बूस्ट कॉइल खराब मिलेगी आपको। बूस्ट कॉइल आप दोनों तरफ मीटर की वायर लगाएंगे, ये दोनों तरफ से बीप कर रही है, क्या कर रही है? बीप कर रही है।
अब ये सही है खराब है? सही है, खराब है। मैंने हॉट टेस्टिंग के बारे में नहीं बताया, ये बूस्ट कॉइल सही है या खराब है, ये आप कैसे कंफर्म करोगे? सर हॉट टेस्टिंग बताइए, नहीं बताइए हॉट टेस्टिंग। अगर यहाँ से ये बोल्ट 3.7 वाट बोल्ट पास हो गया और यहाँ से भी 3.7 ये सही है खराब है? खराब है सर जी। तो क्या है ये? खराब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बूस्ट कॉइल कई वायरिंग से रिबॉन्डिंग होने को मिलती है और इसमें क्या होता है, ये आपस में शॉर्ट हो जाती है, समझ रहे हैं? अगर बूस्ट कॉइल खराब हो गई तो वहां आपको बूस्ट की कॉइल लगानी पड़ेगी, अगर बोल लगी है तो बोली लगानी पड़ेगी, अगर चौकोर लगी है तो चौकोर ही लगानी पड़ेगी। इसके बाद बचा ये रेक्टिफायर डायोड, रेक्टिफायर डायोड से ये एसी के डीसी को सिग्नल को पास करके और ये जो करंट किस पे जाता है, अगर आप यहाँ हॉट टेस्टिंग करेंगे एलईडी पे, इस पे एलईडी पे, एलईडी के प्लस पॉइंट पे आपको वो वोल्टेज शो करेगा, जो वोल्टेज आपको उधर सबने बताया होगा कि 22 वोल्ट मिलेगा, 25 वोल्ट मिलेगा, 28 वोल्ट मिलेगा, यहाँ तक कि 33 वोल्ट मिलेगा, 15 से 35, मगर वो वोल्टेज आपको कम मिलेगा जब ज्यादा एलईडी प्ले चालू होगी और उसमें लाइट आएगी तब वो वोल्टेज मिलेगा। आप हम कहाँ फंसे थे? EN सिग्नल पे फंसे थे। वो वोल्टेज बनेगा कब? जब तक ये EN सिग्नल पास नहीं होगा। IC भी ठीक है, बूस्ट कॉइल भी ठीक है, LED भी ठीक है, डायोड भी ठीक है, जब सब कुछ ठीक है तो फिर आपको EN सिग्नल चेक करना होगा कि यार इस IC को EN सिग्नल मिला नहीं मिला, और EN सिग्नल के लिए इसके आस पास कहीं ना कहीं कोई रजिस्टेंस लगा हो। EN सिग्नल 100 में से 99% रजिस्टेंस का और ब्रेक होने के बाद जब तक इस आईसी को ईएन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये सप्लाई को बूस्ट नहीं करेगा। सर अगर ईएन सिग्नल जैसे अभी जंपर नहीं मारे और किसी ने आईसी चेंज कर दी तो जब भी वो चालू नहीं होगा? आईसी चेंज करती है, अगर आईसी सही प्रॉपर सही लगाई है तो काम करेगा ही करेगा, और आईसी अगर सही नहीं लगाई तो काम नहीं करेगा। देखो सर, ये आईसी है सीपीआई, ये आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी, कौन भी आईसी लगे, इन सभी आईसी को चलने के लिए कौन सा सिग्नल चाहिए? और वो सिग्नल कहाँ से पास होगा? सीपीयू से। अब ये लाइट आईसी है, कौन सी आईसी है? लाइट आईसी, लाइट आईसी। अब पीएन सिग्नल इस आईसी को पास हो रहा है, इस आईसी को पास हो रहा है, वही चल रहा है। पीएन सिग्नल 1.8 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट, समझ लिया? इस आईसी को पास नहीं हो रहा क्योंकि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब आपको ईएन सिग्नल यहां तक पहुंचाना है, कहां तक पहुंचाना है? यहां तक पहुंचाना है। अब वो चाहे आप यहां से जंपर लेके डायरेक्ट यहां जोड़ दो, चाहे यहां से जंपर लेके डायरेक्ट यहां जोड़ दो, चाहे यहां से जंपर लेके डायरेक्ट जोड़ दो, समझ रहे आप? जब तक ईएन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। सर ये हॉट टेस्टिंग से पता चलेगा? ये हॉट टेस्टिंग विदाउट फुल टेस्टिंग थोड़ी पता चलेगा। इसको जो एचआरसी से पहले देख लेना चाहिए जी सर, किसी भी आईसी के एचआरसी करने से पहले आपको चेक करना। सर ये एक्यूरेट होता है 1.8? हां एक्यूरेट होगा सर, 19-20 भी नहीं होता। अगर किसी फोन में हो रहा है तो सर, किसी फोन में अगर फेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो सवाल करना नहीं होता बेटा, ईएन सिग्नल एक नेबल सिग्नल नेगेटिव होता है और आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो देखो आया है यार, ये लेना मैंने लेकर न्यू आईसी, एक न्यू आईसी पैदा हो गई फंक्शन के हिसाब से, फिंगरप्रिंट फंक्शन आ गया ना, फिंगरप्रिंट फंक्शन, डबल कैमरा आ गया, ट्रिपल कैमरा आ गया, फोर्थ कैमरे आ गए ना, कैमरा आईसी लिखवाइए क्या, लिखो कैमरा आईसी 1.8 वोल्ट से काम करता है। अब ये जो नई आईसी वर्किंग आ गई,
अब जितेश सर ने तो हमें बताया नहीं यार कि ये नई आईसी कौन सी कितने बोर्ड से काम करेगी, और उदय सर ने भी ये हमें बताया नहीं कि ये कितने बोर्ड से काम करेगी। अतुल सर ने 12,000 दे दिए। अब कैसे पता लगेगा यार, 3 महीने हो गए कोर्स खत्म हुए, कोर्स खत्म हुए 3 महीने हो गए, जितेश सर फोन नहीं उठाते, फिर उन्हीं का फोन उठाते जो उनके चाहते स्टूडेंट है। अब मैं कैसे पता करूंगा कि ये आईसी कितने वोल्ट से काम कर रही है? मैटिक्स किसी की जरूरत नहीं है यार, इसके लिंक होंगे और इसके लिंक इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे हैं उनपे लिखेंगे। किस पे लिखेंगे? आसपास कंपोनेंट पे लिखेंगे ना। आपने बैटरी लगाई, फोन चालू किया, आपको ये पता लगाना है ये आईसी कितने वोल्ट पे काम कर रहा है। इसके आसपास जितने कंपोनेंट लगे हैं ना सारे ट्रेस कर मारो और टेस्टिंग। 1.9 वोल्ट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 1.9। पता लग गया कितने वोल्ट से काम कर रही है? 1.9 वोल्ट से काम कर रहा है। कंफर्म करना है यूट्यूब पे सर्च मारो और देखो किसी ने कर रखा है क्या ऐसा, गूगल पे सर्च मारो देखो कर रखा है क्या किसी ने ऐसा, क्या मेरी बात उसके साथ मेल खा रही है क्या? मेरी बात सुनो, यूट्यूब गलत चीज नहीं है, मगर यूट्यूब को ना कुछ लोगों ने गलत बना दिया, कुछ लोगों ने गलत किस प्रकार से बना दिया मैं ये बता रहा हूँ आपको। मेरे पास ये वन प्लस सिक्सटी फोन है, समझ रहे हैं? मैंने क्या काम किया, इसमें एक पार्ट पैदा कर दिया, माइक नहीं चल रहा, इसके बीच से एक रेजिस्टेंस हो गया, पार्ट मैंने खुद बनाया और मैंने कैमरा ऑन करके और उसको रिपेयर करके आपको दिखा दिया कि देखो ये माइक का पार्ट ऐसे रिपेयर होता है, बना दिया बेवकूफ। अब आप तो ये सोचोगे कि यार ये सही है, समझ रहे हैं सर? एक ही पार्ट के कम से कम 10 वीडियो देखो, 10 में से अगर 8 मैच कर रही है, सही मैच कर रही है वो, तो यानी कि ये वीडियो क्या है? सही है। अगर 10 में से 2 मैच भी नहीं कर रही तो यानी कि ये वीडियो क्या है? मैंने 1.8 वोल्ट बताया, वीडियो देखो के इससे रिलेटेड क्या जो मैंने लाइव प्रैक्टिकल किया है वो मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा? सर आप ही ले लें, सब डिमांड कर। मैं उदय सर के साथ ही आऊँगा और प्रॉपर कराऊंगा। देखो ऐसा है उदय सर, थोड़ा सा बोलने में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उदय सर को मत बोलने की बात, अपने एरिया के ना उदय सर टॉपर है, उनके पास जो मोबाइल मना हो गया ना वो घूम ले आस पास, रिपेयर नहीं हो सकता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। करूँ मैं करूँ, करूँ का मतलब समझते हो, जबरदस्त रिपेयरिंग बात बन गया, हल्के में मत लेना उनको कि भाई हल्के में, और 90,000 तक के फोन ना न्यू रिपेयर करके पकाते हैं, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। दुकान है? दुकान है कहाँ पे सर? हाँ जितने क्षेत्र के आस पास की दुकान है ना जो फोन रिपेयर नहीं होते वो इन्हीं के पास आते हैं, वही रिपेयर करते हैं बैठे इंच रोड में। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने रख रखा है सबको, जब सर हमारे साथ चल रहे हैं हमारी टीम है सर, और आपको बताइए कि आपको, आप तो चलो नज़दीकी से हो, हमारे पास ऐसे ऐसे बवंडर आते हैं ना, बवंडर का मतलब समझते हो, 20 साल से रिपेयरिंग कर रहा है, 25 साल से रिपेयरिंग कर रहा है फास्ट ट्रैक में, अगर हम उन्हें उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे ना तो हमें फेल करके चला जाएगा। नहीं उदय सर को ना हल्के में हल्के में बहुत जो चीज़ आपसे कभी जीवन में रिपेयर ना हो ना कभी आप फंसोगे, आप देखना उदय सर कैसे हार्डवेयर में आपकी हेल्प करता है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है उदय सर और दिल खुश आदमी है। यही क्या आपके पैसे है, आप सोचोगे सर उदय सर 500 रुपये दे दूँगा, अगर आप प्यार से बोलोगे ना फ्री में करके देंगे वो काम, और उसी काम के ना 28 सौ 5,000 रुपये देते हैं,
भाई वो सिर्फ ना उनको बोलने का ना जी तरीका नहीं है, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन बहुत है। हाँ सौ मिनट में बोलते हैं, समझ में आया क्या? हाँ भाई वो हार्डवेयर स्पेशलिस्ट है, समझ रहे हैं भाई? मैं भी इस लाइन में हूँ, वो भी इस लाइन में, 13 साल की उम्र से कर रहे हैं, आज 24 साल उम्र है, 9 साल एक्सपीरियंस।